नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। मिशन IAS 2020 स्वाध्याय से सफलता कार्यक्रम के अंतर्दृष्टि सत्र के तहत हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारा ये जो सत्र है, यह एडिटोरियल एनालिसिस और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सत्र है, जिसके तहत हम दैनिक स्तर पे 2 से 3 एडिटोरियल्स की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम उस एडिटोरियल से संबंधित एक प्रश्न लिखने को देते हैं। आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। उसके बाद फिर आप उस उत्तर को हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उस पे भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से उसका एक प्रॉपर फीडबैक देने का प्रयास करते हैं और अपनी तरफ से कुछ मॉडल उत्तर के बिंदु भी देने का प्रयास करते हैं। तो आज के अंतर्दृष्टि एडिटोरियल एनालिसिस के सत्र के तहत हम जिन एडिटोरियल्स की चर्चा करने जा रहे हैं, वह आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपे हैं, जिनमें से पहला आर्टिकल जो है वह महिला प्रतिनिधित्व पर है, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर है, और जो दूसरा आर्टिकल है वह आईटी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर और आईटी क्षेत्र में काम का बढ़ते तनाव पर केंद्रित है। तो जो पहला जो आर्टिकल है उसका हेडिंग है क्लोजिंग द जेंडर गैप, क्लोजिंग द जेंडर गैप, जो एंजेलिका अरिबम के द्वारा लिखा गया है। पहला आर्टिकल है उसका नाम है क्लोजिंग द जेंडर गैप, जो एंजेलिका अरिबम के द्वारा लिखा गया है। और जो दूसरा आर्टिकल है उसका शीर्षक है वर्क 996, जो वर्क 996 जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो हम आपको इन दोनों ही एडिटोरियल का सार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद फिर आपको हमने जो लिंक प्रोवाइड किया है उसमें से आप इस एडिटोरियल को पढ़ें और जो हमने प्रश्न दिया है उसको लिखने का प्रयास करें। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग द जेंडर गैप, जो एंजेलिका अरिबम के द्वारा लिखा गया है, उसके सार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हाल ही में विभिन्न दलों ने अपने घोषणा पत्रों में महिला आरक्षण बिल को पास करने से संबंधित वादे किए हैं। हालांकि जमीनी स्तर पे अनेक राष्ट्रीय दलों ने बेहद कम महिलाओं को टिकट दिए हैं, जैसे कि कांग्रेस द्वारा लगभग 14%, जबकि बीजेपी ने केवल 12% टिकट ही महिलाओं को दिए हैं। यानी ये बता रहे हैं, ये जो लेखिका हैं ये बता रही हैं कि किस प्रकार से विभिन्न दल अपने घोषणा पत्रों में महिला आरक्षण बिल को पास करने से संबंधित बातें तो कर रहे हैं, किंतु जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो वे बहुत कम लोगों को, बहुत कम महिलाओं को टिकट देते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ क्षेत्रीय दलों के बारे में बात की जाए, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल आदि, उनके द्वारा कहीं अधिक जो है प्रतिशतता टिकट के मामले में महिलाओं को दी गई है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगभग 40% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं, जबकि जो बीजेडी है, बीजू जनता दल है, उसके द्वारा 33% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। तो ये बात 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 हो गई। उसके बाद वे कुछ आंकड़े के बारे में बताती हैं, कहती हैं कि वर्तमान में लगभग संसद में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 12% ही है, जो बेहद कम है। यानी संसद में महिलाएं लगभग 12% ही हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, यानी ग्लोबल स्तर की बात करती हैं, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिखाई देता है, विशेषकर 1995 के बीजिंग में हुए महिला विश्व कॉन्फ्रेंस के बाद। यानी बीजिंग प्लेटफॉर्म, इस पर संबंधित एक प्रश्न पूछा था लोक सेवा आयोग द्वारा, यूपीएससी द्वारा। तो 1995 में बीजिंग में हुआ था महिला विश्व कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद पूरे विश्व के स्तर पे जो संसद है वह महिलाओं में, संसद में महिलाओं का स्तर बढ़ा है। तो जो ये प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो बात की जाती है उससे संबंधित तीन प्रमुख मॉडलों की वे चर्चा करती हैं। ये तीन प्रमुख मॉडल हैं। नंबर एक, कुछ सीटों को महिलाओं के लिए ही आरक्षित कर देना, यानी कुछ सीटें हमेशा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना, एक मॉडल ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि कुल सीटों में से एक निश्चित प्रतिशतता महिलाओं के लिए आरक्षित करना, इसमें एक निश्चित परसेंटेज निर्धारित की जाती है महिलाओं के लिए। और तीसरा है स्वैच्छिक राजनीतिक दल कोटा निर्धारित करना, यानी राजनीतिक दल अपने अंदर ही, मतलब आंतरिक चुनावों की स्थिति में ही कुछ प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देते हैं। तो ये जो वर्तमान का महिला आरक्षण बिल है वह सेकंड मॉडल का प्रकार है। जो दूसरा जो हमने मॉडल बताया, कुल सीटों में से एक निश्चित प्रतिशतता महिलाओं के लिए आरक्षित करना, इसके तहत 33% सीटों के आरक्षण की बात की गई है। और लेखिका का ये मत है कि जो स्वैच्छिक राजनीतिक दल कोटा है जो निर्धारित किया जाता है, उसकी तुलना में यह ज़्यादा बेहतर है।
यानी कई बार ये बात की जाती है कि राजनीतिक दल ही अपनी तरफ से एक कोटा निर्धारित कर दें और उतने प्रतिशत जो है राजनीतिक दल जो है टिकट जो है महिलाओं को दें। किंतु लेखिका का मत यह है कि जो स्वैच्छिक राजनीतिक दलीय कोटा है इसकी बेहद सीमाएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, और इसकी तुलना में जो महिला आरक्षण बिल है उसका जो मॉडल है उसको अपनाया जाना ज़्यादा बेहतर है। तो स्वैच्छिक दलीय कोटा की सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली सीमा यह है कि ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वे ऐसी सीटों पर ही महिलाओं को उतारते हैं जहां पे उन सीटों पे किसी भी उन सीटों पे उस दल का प्रभुत्व नहीं रहता, यानी जो ना जीते जाने वाली सीटें हैं उन्हीं सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया जाता है। पहली बात ये। दूसरा क्या है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं उनमें समान स्थिति का अभाव है, लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव होता है। तीसरी बात क्या है कि जो पैट्रियार्की की व्यवस्था है, पितृसत्तात्मकता है, उसके चलते एक ओर तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है, दूसरा उनको फंडिंग से भी संबंधित दिक्कतें आती हैं जिसमें उन्हें ज़्यादातर फंड मिलने में समस्याएं होती हैं और चुनाव लड़ने से संबंधित अनेक दिक्कतें आती हैं। तो यही कारण है कि जो लेखिका हैं उनका यह मत है कि जो हम स्वैच्छिक राजनीतिक दल कोटा निर्धारित करने की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने आंतरिक लोकतंत्र के तहत ही कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं, उसकी तुलना में बेहतर ये होगा कि महिला आरक्षण बिल के माध्यम से कुछ निश्चित प्रतिशतता महिलाओं के लिए कर दिया जाए, जो कि एक बेहतर उपाय है। इसके संबंध में वे आंकड़ा भी देखती हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आदि में अंधा दलीय कोटा लागू है, यानी स्वैच्छिक दलीय कोटा लागू है, किंतु वहाँ लगभग 20% ही प्रतिशतता महिलाओं की है। और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं जो कि हमने बताए, जैसे कि महिलाओं को ऐसी सीटों पर उतारा जाता है जो 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 बेहद कठिन सीटें होती हैं, उनको फंडिंग की दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को जो मतदाता हैं उनको उनको कमजोर माना जाता है और पुरुषों को अधिक वोट दिया जाता है, ठीक है, चुनाव लड़ने से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर सुनिश्चित अगर कर दिया जाए कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, तो उससे महिलाओं की प्रतिशतता अवश्य ही बढ़ेगी। जैसे कि वे उसका उदाहरण देती हैं, पहला उदाहरण तो उन्होंने रवांडा का दिया है जहां 2003 में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। रवांडा अफ्रीका का एक देश है जहां 2003 में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के बाद वर्तमान में वहां की संसद में लगभग 64% महिलाएं हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का उदाहरण देती हैं वे, जहाँ पे 33% महिला आरक्षण को लागू किए जाने के बाद वर्तमान में महिलाओं की प्रतिशतता लगभग 43% है वर्तमान की पंचायतों में, जो कि पहले लगभग 3 से 4% था। तो इनका मत यह है कि केवल स्वैच्छिक स्तर पे राजनीतिक दल कोटा निर्धारित करने से ही महिला प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा, इसके लिए महिला आरक्षण बिल का पास होना आवश्यक है। साथ ही लैंगिक कोटा के साथ क्षमता निर्माण और विकास भी किया जाना आवश्यक है ताकि भावी महिला नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके। तो ये जो आर्टिकल है इसमें महिला आरक्षण बिल के पक्ष में काफी बातें कही गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आपको क्या करना है कि वुमेन लीडर्स भी तैयार करने हैं ताकि भविष्य में उनको उनके द्वारा एक अच्छा नेतृत्व दिया जा सके। तो ये तो हमारा आर्टिकल हुआ जो हमने पहला आर्टिकल बताया, जिसका नाम था क्लोजिंग द जेंडर गैप, इसका सार जो आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा है। तो दूसरा जो एडिटोरियल है उसका नाम है वर्क 996। तो वर्क 996 क्या है? ये हाल ही में एक काफी लोकप्रिय शब्द हो गया है जो चीन में काफी लोकप्रिय है। तो चीन में वहाँ के कुछ लोगों द्वारा, जो वहाँ के प्रोग्रामर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोग्रामर्स द्वारा वहाँ पे एक एक साइट बनाई गई, एक एक शब्द को लोकप्रिय किया गया जिसका नाम था 996.ICU। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ये आईटी क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है कि आईटी क्षेत्र में आपको जो है 9 घंटे कार्य करना पड़ता है हफ्ते के 6 दिन, ठीक है, 9 घंटे हफ्ते के 6 दिन कार्य करना पड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को अंततः, अगर इसी तरीके से वह काम करता रहा तो अंततः परिणाम ये होगा कि व्यक्ति को आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके की प्रतीकात्मकता है जिसके माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से आईटी क्षेत्र में लगातार जो वर्किंग आवर्स हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और व्यक्ति को जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जीवन और कार्य के बीच जो संतुलन है, उसे करने में दिक्कतें आ रही हैं।
तो ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, ये बताता है कि हमें आईटी क्षेत्र में काम करने के जो लंबे घंटे हैं उनसे निवारण की आवश्यकता है और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो अभी की जो डिबेट है वो 996 की, जिसमें व्यक्ति को हफ्ते के 6 दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, उसका संबंध पूंजीवाद से है। इसको वो पूंजीवाद से जोड़ते हैं और कहते हैं कि पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ के साथ ही इस तरह की समस्या देखी गई है, जिसमें काम के घंटे निर्धारित नहीं होते थे और जो मजदूर होते थे वे सुबह से लेकर शाम तक काम किया करते थे हफ्ते के 6 दिन। ठीक है, इस पे प्रारंभ से ही बहुत सारे समाजवादियों ने भी आवाज उठाई थी और वर्तमान में भी अगर इस पे आवाज उठाई जा रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि वे रॉबर्ट ओवन एक प्रारंभिक समाजवादी थे, रॉबर्ट ओवन उनका उदाहरण देते हैं, जिसमें कहा गया है, जिन्होंने कहा था कि हमें 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे मनोरंजन करना चाहिए और 8 घंटे आराम करना चाहिए। रॉबर्ट ओवन ने जो काम के बहुत लंबे घंटे हुआ करते थे उसके जवाब में बताया था कि आपको 8-8-8 का सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, जिसमें 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर वर्तमान में अगर चीन में देखा जाए तो वहाँ पे जो आईटी जायंट है, सबसे बड़ी जो कंपनी है अलीबाबा, उसके जो संस्थापक हैं जैक मा, जैक मा का दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति चूंकि यंग है इसलिए उनको अधिक से अधिक काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करने से फायदा होता है। किंतु वर्तमान का जो जो व्यक्ति का जो परिप्रेक्ष्य है वह इसकी इजाजत नहीं देता और कई व्यक्तियों ने जैक मा के इस दृष्टिकोण की आलोचना की है, क्योंकि इससे वर्क लाइफ बैलेंस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद उन्होंने इस तकनीक के प्रभाव पर भी चर्चा की है, जिसके बारे में कहा गया था कि जब व्यक्ति का के जीवन में तकनीक का आगमन हुआ तो यह माना गया था कि व्यक्ति के जीवन में तकनीक के आने से व्यक्ति का काम आसान हो जाएगा और व्यक्ति को आराम करने के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे। किंतु वर्तमान में ये देखा गया है कि तकनीक के आने से व्यक्ति का जीवन आसान ना होकर और जटिल ही हो गया है और वर्क लाइफ बैलेंस जो पहले हुआ करता था उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो ये जो आर्टिकल है 996, ये अंततः इसी बात पे बल देता है कि किस प्रकार से आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आवश्यक है और तकनीक जो है बहुत ज्यादा अगर आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है तो इससे बचने की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल का सार कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न जो है हमारे पहले एडिटोरियल से संबंधित है, जिसमें हमने जेंडर गैप के बारे में बात की थी। तो क्वेश्चन है, प्रश्न है, संसद में महिलाओं के न्यून प्रतिनिधित्व के कारकों का उल्लेख करते हुए महिला भागीदारी को बढ़ाने के कुछ सुझाव दें। संसद में महिलाओं के न्यून प्रतिनिधित्व के कारकों का उल्लेख करते हुए महिला भागीदारी को बढ़ाने के कुछ सुझाव दें। अंग्रेजी में प्रश्न है, डिस्कसिंग रीजंस बिहाइंड लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, गिव सम सजेशंस टू इंक्रीज इट। Discussing reasons behind low women representation in Indian Parliament, give some suggestions to increase it. तो ये जो प्रश्न है सीधा सीधा एडिटोरियल से संबंधित है, जिसमें आप कारक बता देंगे कौन कौन से कारक थे, जिसमें पितृसत्तात्मकता की भूमिका बता सकते हैं, आप शक्ति की भूमिका बता सकते हैं, आप इसमें ये बता सकते हैं किस प्रकार से पुरुषों द्वारा महिलाओं को कमजोर माना जाता है और उनको डिसीजन मेकिंग की शक्ति दे जाने से वे हिचकते हैं, किस प्रकार से जो महिला महिला जो उम्मीदवार होते हैं उनको फंडिंग मिलने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से ज़्यादातर महिलाओं को ऐसी सीटों पर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उनके जीतने की संभावनाएं बहुत न्यून होती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख आप इस प्रश्न के तहत कर सकते हैं। साथ ही जब आप सुझाव देंगे तो आपको आपको एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल के संबंध में बात करनी है, वहीं दूसरी तरफ आप महिलाओं के क्षमता निर्माण विकास की और भावी महिला नेतृत्व को सुनिश्चित करने की भूमिका के भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो जब सुझाव की बात आएगी तो आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, और अपने विचार के तहत अगर आप कुछ नवाचारी सुझाव दे सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के दोनों आर्टिकल के तहत इतना ही। ठीक है, जिसके तहत हमने बात की जेंडर गैप के बारे में और जो तकनीक का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और काम के घंटे लगातार बढ़ रहे हैं उनके बारे में बात की। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल के सत्र में, अंतर्दृष्टि के सत्र में इतना ही। बने रहिए आपके प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञानपुर पर। धन्यवाद।